जेई मेन की कहानी हो चुकी है समाप्त, और अब आप में से कई लोग जेई एडवांस्ड की तैयारी कर रहे होंगे। और ये एग्जाम मेरा सबसे फेवरेट एग्जाम है, क्योंकि देखो इन दी एंड हम तैयारी किसकी कर रहे हैं, आईआईटी जाने की। और आईआईटी किससे जाते हैं, जेई एडवांस से जाते हैं, राइट, जाते हैं एडवांस से जाते हैं, है ना। तो आज हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे कि यार जेई मेन हो क्या है। तो अब लगभग आपका अगस्त के एंड में एग्जाम है, तो मोटे मोटे तौर पर आपके पास एक महीना लगभग बचा है। उसमें हमें क्या करना है ताकि हम अपनी रैंक को क्या कर पाए, मिनिमाइज कर पाए, नहीं मैक्सिमाइज कर पाए, ठीक है। तो शुरू करने से पहले यार एक छोटी सी अनाउंसमेंट बता देता हूँ कि हमारा एक जेई एडवांस का क्रैश कोर्स चलता है, जिसपे 6 अगस्त तक बहुत ही ज्यादा हैवी डिस्काउंट चल रहा है आपको, वो भी कुछ 2-3 हज़ार रुपये में मिल रहा है, विच इज लिटरली नथिंग फॉर अ कोर्स ऑफ दिस काइंड ऑफ वैल्यू, ठीक है। इसमें आपको बहुत ही हार्ड क्वेश्चन एडवांस लेवल के, उनको सोचना कैसे है वो भी डिस्कस किया हुआ है, और बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज, लेक्चर, सब कुछ है इसमें, ठीक है। तो चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, 6 तारीख या उससे पहले आपको लेना है बहुत ही अच्छे डिस्काउंट के लिए। चलिए बात करते हैं यार एडवांस में हमको क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। तो देखिए ये चीज़ हम सभी समझते हैं कि जेई मेन और एडवांस में फंडामेंटल डिफरेंसेज है काफ़ी सारे। पहली बात, आपको एडवांस के अंदर टाइम की कंस्ट्रेंट थोड़ी सी कम होती है, ज़्यादा भी नहीं होती, थोड़ी सी कम होती है, और हमें उसके अंदर टफ क्वेश्चन ज़्यादा बनाने होते हैं, ठीक है। स्पेशली अगर आप देखेंगे, इवन हम केमिस्ट्री की भी बात करें, केमिस्ट्री को यूजली लोग आसान मानते हैं, लेकिन जेई एडवांस में केमिस्ट्री भी टफ कर देते हैं। कैसे, इंटीजर टाइप क्वेश्चन डाल देंगे, उसमें आपको 10 कंपाउंड दे देंगे, बोलेंगे इनमें से ब्लैक कितने, फंस गए, है ना, एक भी चीज़ नहीं आती है तो गलत हो जाएगा। और उल्टा भी होता है कि किसी को 5 याद है, 6ठे का कलर गलत याद किया हुआ है, तो उसने 6 भर दिया और सही आंसर भी 6 था, ऐसा भी होता है, राइट। लेकिन कुल मिला के थोड़ी सी क्या डिफिकल्टी लेवल पैटर्न वाइज भी ज़्यादा है, और आपकी डिफिकल्टी इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन की डिफिकल्टी भी थोड़ी सी ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो सबसे दो इंपॉर्टेंट बात मैं बोलूँगा ना, सबसे पहली चीज़ ना, आपको यहाँ पे मैथमेटिक्स की न्यूमेरिकल प्रैक्टिस अभी जितनी कर रहे हो ना, उससे 1.5 से 2 गुना करनी है, ठीक है। ये चीज़ मैंने भी की थी, इससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली थी। जेई एडवांस के अंदर मैंने मैथमेटिक्स में 118 नंबर आए थे 120 में से, या 122 120 था शायद, जो भी था 118 नंबर आए थे। केवल ऑप्शनल मल्टीपल होते हैं ना, उसमें केवल 2 नंबर कटे थे एक कोई क्वेश्चन में। तो वो क्यों हुआ था, क्योंकि लास्ट के टाइम में मैंने मैथ्स की इतनी रगड़ के प्रैक्टिस की थी ना, क्योंकि देखो एडवांस के दिन होगा क्या कि फिजिक्स में आप कॉन्सेप्चुअली समझोगे, केमिस्ट्री में आप समझोगे क्योंकि आपने चीज़ पढ़ी नहीं थी, और मैथ्स में आप इसलिए उलझोगे क्योंकि आपकी स्पीड स्लो है। मैथ्स के अंदर बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन तो आती है जिनमें सोचना रहता है, साथ ही में काफ़ी ज़्यादा लेंदी क्वेश्चंस, काफ़ी ज़्यादा आपको टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन आएंगे। तो वहाँ पे अगर आपकी स्पीड स्लो है ना, तो आप बच्चों थोड़ा सा नहीं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करोगे, है ना। मैथमेटिक्स में यूजली काफ़ी बच्चे डूबते हैं जेई एडवांस के दिन, ठीक है। जेई मेन में तो क्या, फिर भी चलो ठीक है, क्वेश्चन डुएबल होते हैं, एडवांस में तो क्वेश्चन डुएबल भी नहीं होते हैं, और लंबे भी होते हैं, और हार्ड भी होते हैं, तो टाइम भी जाता है और दिमाग भी आपका ख़राब होता है। तो मैथ्स की प्रैक्टिस सभी बच्चे अपनी 1.5 से 2 गुना कर दो प्लीज़ तुरंत। केमिस्ट्री विल बी प्योरली बेस्ड ऑन रिविजन। जेई मेन और एडवांस में केमिस्ट्री के अंदर लेवल वाइज कोई खास डिफरेंस नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत ऑर्गेनिक वगैरह में थोड़ी सी शायद और अच्छी मैकेनिज्म वगैरह इन्वॉल्व करके पूछ लेंगे, ठीक है, बट इतना कोई फर्क नहीं है लेवल वाइज जितना लेट्स से मैथ्स और फिजिक्स में होता है। यहाँ पे दिक्कत आएगी कि आपको कोई चीज़ आती अगर नहीं है या रिवाइज नहीं, जैसे मैंने इनऑर्गेनिक का एग्जाम्पल नहीं दिया था स्टार्टिंग में कि यार आपको इनऑर्गेनिक के अंदर वो चीज़ याद ही नहीं है, तो इंटीजर टाइप में डाल देंगे इस तरह से कि एक भी कंपाउंड नहीं आता है, गया क्वेश्चन, ठीक है। या मल्टीपल चॉइस के अंदर इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन आ गए, तो ये बहुत डेंजरस सवाल होते हैं, इनमें बच्चे फिजिक्स और मैथ्स से ज़्यादा उलझ जाते हैं, राइट। तो प्लीज़ केमिस्ट्री में जो टॉपिक आपने नहीं पढ़े हैं, जिनका रिवीजन कम है, स्पेशली इनऑर्गेनिक में और ऑर्गेनिक के अंदर मैकेनिज्म वाली चीज़ है, उनको प्लीज़ आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ये मेरी तरफ से दूसरी एडवाइस रहेगी। और एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि आप फिजिक्स जो पढ़ रहे हैं, फिजिक्स में आपको जो भी टॉपिक थोड़ा सा भी कॉन्सेप्चुअली वीक है वो सुधार लो। अगर तुम्हें कोई भी, देखो अपने दिल में पता होता है कि यार हमें क्या चीज़ में थोड़ी कमी आती है, जैसे कि कोई कोई बच्चे होते हैं उनको करंट इलेक्ट्रिसिटी में कई चीज़ें समझ में नहीं आती, लेकिन पूछते नहीं है। क्यों नहीं पूछते हैं, क्योंकि यार कोई ना कोई ट्रिक से सवाल हो जाता है, जैसे अब केवीएल केसीएल में कई बच्चों को बहुत सारे डाउट आते हैं, पोटेंशियोमीटर जैसी चीज़ें हैं, या आपका एम मीटर वोल्ट मीटर की फंक्शनिंग है, ये कई बच्चों को पता नहीं पड़ता है यार क्या चल रहा है, वह याद कर लिया फॉर्मूला और क्वेश्चन भी निकलते हैं, तो इतना कोई जाता नहीं डेप्थ में। लेकिन एडवांस वाले क्या करेंगे, वो एम मीटर वोल्ट मीटर पर पैराग्राफ बना के 2 क्वेश्चन पूछेंगे, और वो पैराग्राफ ऐसा होगा कि उसमें तुम फॉर्मूले में प्लग इन करके नहीं कर पाओगे, अगर वो चीज़ तुम्हें अच्छे से पता है तो ही कर पाओगे। क्यों, क्योंकि वो ऐसा पैसेज नहीं देंगे कि अरे बच्चों इस ब्रांच में करंट बताओ, वो क्या करेंगे, वो ना एम मीटर की जगह वोल्ट मीटर रख देंगे, वो क्या करेंगे एम मीटर के पैरेलल में या सीरीज में या जैसे भी कुछ और डाल देंगे, या एम मीटर के ऊपर पोटेंशियो मीटर चढ़ा देंगे, वो ऐसी कुछ ना कुछ अजीबोगरीब हरकत करेंगे और फिर सवाल पूछेंगे। तो वहाँ पे जिस बच्चे को कॉन्सेप्चुअली वो टॉपिक नहीं आता है ना, जिसने रटा है, वो फिर फिसल जाता है, क्योंकि उसको आता ही नहीं कैसे करना है। तो अगर जहाँ पे भी आपको फिजिक्स में हल्का सा भी 1% भी लग रहा है कि अरे यार ये चीज़ करना, मेरे को कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, तुरंत जाओ एनसीईआरटी उठाओ, एचसी वर्मा उठाओ, जो भी उठाना है उठाओ, पर उसको एक बार अच्छे समझ लो कि ये चीज़ क्यों हो रही है, ठीक है। और उनको पता है कि बच्चे कहाँ फिसलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में बहुत इस तरह के सवाल आएंगे, आपके
एनएलएम के अंदर भी सवाल आएंगे इस तरह के, रोटेशन के अंदर सवाल बहुत ज्यादा आएंगे इस तरह के, जहां पे उनको पता है कि यार बच्चे उलझ जाते हैं। कुछ जैसे चैप्टर्स है वो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, इतने ज्यादा उनमें कुछ हैवी चीजें होती नहीं है, वहां से नहीं आएंगे सवाल। ऐसे आएंगे कहाँ से, इस तरह के जो जैसे रोटेशन है, COM है आपका, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इन सब चैप्टर से कहीं ना कहीं अच्छे क्वेश्चन बन के आते हैं। तो जहाँ पे भी आपको लग रहा है यार कि ये चीज का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं है, तुरंत जाके उसको पढ़ डालो। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लो, फिजिक्स में न्यूमेरिकल इतना हार्ड नहीं आएगा जितना आप सोच रहे हो, वहाँ पे आपको कॉन्सेप्चुअली फंसाया जाएगा। तीनों में अलग अलग ट्रैप है, ठीक है, ध्यान से समझो, तीनों में अलग ट्रैप चलते हैं। मैथ्स में आपको स्पीड आपकी डुबवाएगी या डिफिकल्ट क्वेश्चन डुबवाएगा, मैथ्स फिजिक्स के अंदर आपको कौन डुबाएगा, आपके कॉन्सेप्ट्स अगर वीक है वो डुबाएगा। केमिस्ट्री में तुम चीज भूल जाओगे ना या अच्छे से रिवाइज नहीं किए, वो तुम्हें पूरा डुबा देगी। केमिस्ट्री में क्वेश्चन टफ नहीं आएगा, लेकिन तुम क्यों डुबोगे, क्योंकि तुम्हें वो चीज रिवाइज नहीं थी। तो प्लीज इसको करें, और यदि आपको ये तीनों चीजें बहुत अच्छे से फटाफट एकदम करनी हो, तो तुम फटाफट से यार बहुत ही छोटा सा इन्वेस्टमेंट है उसका, जे एडवांस्ड क्रैश कोर्स में एनरोल हो जाओ, ठीक है। अभी तक आप लोग नहीं आ पा रहे थे उसका मैं समझता हूँ यार, क्योंकि पूरे 2 साल के कोर्स हमारे थोड़े महंगे रहते हैं, ठीक है, लेकिन ये वाला कोर्स क्योंकि 1 महीने का ही है, ये बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है और हर बच्चा ले सकता है। एंड ट्रस्ट मी, आपके जे एडवांस के अंदर इस कोर्स के बाद क्वेश्चन ज्यादा बनेंगे ही बनेंगे। इवन अगर आप टॉपर भी हो ना, कि यार आपके 80% आते हैं, मैं कह रहा हूँ इस कोर्स से तुम 80 की जगह 85 या 90 लेके आओगे, इतना अच्छा। क्योंकि इसके अंदर क्या किया है कि मैंने जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं उनको सोचना कैसे होता है वो डिस्कस बहुत अच्छे से किया हुआ है। काफी सारे एग्जाम्पल, 200-300 एग्जाम्पल लिए क्वेश्चन के, और मैंने उसमें पूरा बताया है कि यार यार ये क्वेश्चन टफ है तो ये कैसे सोचा जाता है, ठीक है। फिर हमारी एडवांस की टेस्ट सीरीज तो है ही है, लेक्चर्स हमारे है ही हैं, DBPs तो है ही है, वो सब तो देखो है ही जो आपके पास ऑलरेडी भी है, लेकिन जो मेन वैल्यू, क्योंकि देखो आप सबके पास मटेरियल है, अगर आप एडवांस की वीडियो देख रहे हो तो आपको चीज़ें भी आती हैं, आपकी स्पीड भी अच्छी है, आपको टेस्ट सीरीज की जरूरत नहीं, मुझे भी पता है, आपको लेक्चरों की जरूरत नहीं, मुझे ये भी पता है, लेकिन तुम्हें जरूरत किस चीज़ की है, एक ऐसे बंदे से जानना जो टफ क्वेश्चन को फास्ट हैंडल कर पाया था एग्जाम के दिन, कि कैसे करना है ये सब एग्जाम के दिन, कैसे डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया, क्या उसको करना भी है या नहीं, और अगर करना है तो फास्ट कैसे सोचना है ऐसी सिचुएशन में, वो सब उसके अंदर बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया गया है। केवल कुछ 2-3 हज़ार रुपये का इन्वेस्टमेंट है, आपको डेफिनेटली करना चाहिए, लेकिन एक शर्त है कि 6 अगस्त के बाद इसकी रेट्स बढ़ जाएंगी, और या 6 अगस्त के बाद तो तुम्हारा एग्जाम ही आ जाएगा, तब लेके क्या करोगे। तो अभी आज या कल में ही इसको परचेस करें और फटाफट से उसको पढ़ना चालू कर दें। इट विल नॉट टेक टू मच ऑफ योर टाइम, ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारा एग्जिस्टिंग शेड्यूल जो है वो बिगड़ जाएगा, बट इट विल हेल्प यू आउट अ लॉट, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ठीक है। अब यार जाओ एडवांस में, बताओ मुझे कमेंट करके कौन सी IIT जाने का ड्रीम है, और फिर जब एडवांस हो जाए उसके बाद आके रिस्पॉन्ड करना कि अरे यार मेरा रिजल्ट आ गया, ये देखो मैं सच में गया यहाँ पे, IIT कानपुर बोला था हमने, IIT कानपुर में जाके बता रहे हैं, ठीक है। सो थैंक यू यार, बाय यार, लाइक कर दो वीडियो पसंद आई हो तो, चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर देना, आगे भी वीडियोज़ काम की आएंगी तुम्हारे लिए बहुत सारी, है ना। और मेरे सोशल्स वगैरह देख सकते हो, इंस्टा वगैरह पे काफ़ी सारी फोटोज़ अगर हम डाल रहे हैं वो सब चेक कर सकते हो तुम लोग चाहो तो। और बाकी तो कोर्स वगैरह के लिंक दिए हुए हैं, ये 6 अगस्त या उससे पहले पहले आपको उसमें आना है फॉर द डिस्काउंट। थैंक यू, गुड लक, ऑल द बेस्ट।